सुक्कू की आज जो है कैबिनेट बैठक बुलाई है सीएम सुक्कू ने। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, अलग अलग विभागों में भर्तियों पर फैसला होगा, साथ ही प्रदेश की वित्त स्थिति जो है उस पर भी चर्चा होगी और शिमला मस्जिद विवाद पर भी बैठक में जो है चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुक्कू सरकार की कैबिनेट बैठक है आज। बैठक में कई अहम मुद्दों पर जो है चर्चा होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इसके लिए अधिकारियों ने अपने विभागों से संबंधित एजेंडा तैयार कर लिया है, जिसे आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विभाग की समीक्षा बैठक कर चुके हैं। इस बैठक में कैबिनेट में लाए जाने वाले मामलों को लेकर चर्चा की गई थी। प्रदेश की वित्तीय हालात ठीक नहीं है, कर्मचारियों और जो रिटायर कर्मचारी हैं उन्हें इस महीने समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिली है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लेकर भी चर्चा हो सकती है, ताकि सरकार और कर्मचारियों के बीच चल रहे टकराव की स्थिति से भी निपटा जा सके। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, विभिन्न विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में इस बैठक में अलग अलग विभागों में भर्तियों को लेकर फैसला हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी कैबिनेट में कई एजेंडे शामिल किए गए हैं। वहीं तहबाजारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कमेटी का गठन किया जाएगा और इसे लेकर भी जो है बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आज सुक्कू कैबिनेट की बैठक है, बैठक में कई अहम मुद्दे जो रहने वाले हैं उन पर चर्चा होगी, साथ ही साथ अलग अलग विभागों में भर्तियों पर फैसला लिया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा हमारे साथ सीधा शिमला से जुड़ गए हैं। कामेश्वर, सीएम सुक्कू ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, क्या कुछ आज बैठक में खास रहने वाला है, क्या कुछ बिंदु रहने वाले हैं जिस पर इस बैठक में जो है चर्चा होगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू की अध्यक्षता में 12 बजे यहाँ पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी, वहां पर जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रवाल फिलहाल वो इसमें उपस्थित रहेंगे, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर गए प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे तथा वहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद जो अन्य जो कैबिनेट मंत्री है वो सभी इसमें उपस्थित रहेंगे। खासकर इसमें जो विभिन्न विभागों में रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने के लिए आज अनुमति भी की, और साथ ही जो अभी हाल ही संजीवनी मस्जिद विवाद अत्यधिक गरमाया था उसके बाद जो सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने जिस तरीके से नेता जो भाजपा की तरफ से रणधीर शर्मा और साथ ही राकेश सिंधा जो की पूर्व विधायक है सीपीएम के मक्का के नेता है, पूर्व मेयर संजय चौहान समेत अनेक नेतागण इकट्ठे थे। उन सभी ने यह अपना सुझाव दिया था कि खासकर जो ये जो अधिक जो मस्जिद का विवाद उठा है सबसे अधिक लोगों ने यही बोला कि जो बाहर के लोग आते हैं कर्मचारी जो होते हैं वो उनका जो पंजीकरण होना अनिवार्य है। अक्सर देखा जाता है कि जो एक कमेटी के जो लोग है मुस्लिम समुदाय के पार्टिकुलर के हम बात करें तो एक व्यक्ति जब आता है तो अपने साथ 10 व्यक्तियों को और बसा देता है, और साथ ही वहां पर तहबाजारी में लोगों को आगे जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो संजीवनी मस्जिद का मामला है, पहले दो मलयाना में एक व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ था, उसके पश्चात वो व्यक्ति मस्जिद में जाकर छुपा, तो ये जो उत्पन्न जो मामला हुआ था वो कहने तो कहीं तहबाजारी से हुआ था। ऐसे में जो सभी जो संघ बैठे हुए थे उन्होंने सुझाव दिया था कि खासकर जो बाहर के लोग आते हैं उनका पंजीकरण होना अनिवार्य है, तो इसे आज हरी झंडी मिल सकती है। और साथ ही जो देखा जा रहा है कि जो रिक्त पद है खासकर चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें शिक्षा विभाग की बात करें अभी आज है जहाँ पर जो अभी तक जो रिक्त पद खाली जिसे कहते कहना तो कहीं जो डिपार्टमेंट को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसे कहना तो कहीं हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ में भी लगभग 150 जो पद है वो आज सृजित किए जाएंगे ताकि जो स्वास्थ्य सुविधा है वो अधिक अच्छी हो सके। खासकर फिलहाल लगातार जिस तरीके से कहते हैं कैबिनेट मार्केटिंग सुपरवाइजर भर्ती की रिजल्ट घोषित करने के बारे में भी आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये मामला पहले भी स्थगित हो गया था लेकिन आज जिस तरीके से अब जो अनेक जो विभागों की जो रिक्त पद है उन्हें भरने के लिए आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें हरी झंडी मिल सकती है।
कामेश्वर, प्रदेश की वित्तीय स्थिति इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। इस कैबिनेट की बैठक में वित्त स्थिति पर क्या कुछ चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, यदि देखा जाए विधानसभा भी जब चल रही थी, विधानसभा के दौरान भी खासकर जो विपक्ष है उन्होंने सत्ता पक्ष को इस बारे में घेरा था। खासकर अगर देखा जाए जो सत्ता पक्ष है उनका कहना है कि जो कर्मचारी की जो देनदारी है जिसमें डीए और एडीए 10,000 करोड़ से अधिक का है, ऐसे है पूर्व की जो भाजपा सरकार थी जो की जबकि जयराम जो मुख्यमंत्री थे उस दौरान की देनदारी थी उन्होंने वो नहीं चुकाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि फिलहाल जो 10,000 की जो देनदारी है खासकर जो डीए और एडीए पूर्व सरकार ने ली था, लेकिन अब दूसरी जो कर्मचारी ने सचिवालय में पहले जिस जनसभा को संबोधित किया, ऐसे में फिलहाल दो दिन पहले भी वो यहाँ पर जो एक बैठक करने जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सोना आश्वासन दिया, सचिवालय से एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि आप लोगों के साथ एक बैठक की जाएगी जो कर्मचारी नेता है और साथ ही जो एडिट और डीए है उन्हें दे दिया जाएगा दीपावली से पहले। देखा जाए जो अक्टूबर 31 से पहले उम्मीद है कि जो 10,000 करोड़ जो कर्मचारियों की देनदारी है खास जिसमें डीए है एडी है उसे दिया जाएगा। और साथ ही जो अगर हम बात करें वित्तीय स्थिति कहीं ना तो कहीं देनी है, वही अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो जब विधानसभा सत्र ही चल रहा था उस दौरान उन्होंने कहा था कि जो स्थिति है वो सामान्य है, और वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से हम बात करें तो लगातार वो सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जैसे पहले मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपकी स्थिति दयनीय है, कभी बोलते हैं ठीक है, तो लगातार जिस तरीके से अब इस विषय को लेकर अब कहना तो कहीं हो सकता है कि जो वित्तीय स्थिति और किस तरीके से अगर देखा जाए जो शानन प्रोजेक्ट की अगर बात करें कि अन्य प्रोजेक्ट है जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हम किस तरीके से आय अर्जित करें हिमाचल प्रदेश में, किस तरीके से आय आए उसके विषय पर भी आज जो चर्चा की जा सकती है। कामेश्वर, इस बैठक में सभी शामिल हो रहे हैं लेकिन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस बैठक में नहीं शामिल हो रहे। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए अभी जो हाल ही में जो विधानसभा चुनाव की बात करें हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश के रूप में जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगभग 6 दिनों के लिए वहां पर जाएंगे और 12 बजे वो शिमला से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं, और जो अब जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वो वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके चलते जो मुकेश अग्निहोत्री है इस कैबिनेट की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाएंगे।